वो अपना सपना पूरा कर पाएंगी। टीन एज से ही जस्ट बाहर आए हो तो इतना आपको पता नहीं है कि इतना डिसीजन आप अपने खुद नहीं ले सकते, तो उनका 18 तक उनकी ना तो एजुकेशन कंप्लीट हो पाती थी और मैच्योरिटी लेवल भी होता नहीं। तो यहाँ पे लड़की समझदार नहीं चाहिए, बस लड़के को ही शादी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए। एक तो 18 साल का बच्चा है, 21 साल का, वो थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है और शादी जैसा बहुत बड़ा फैसला है। 21 है तो उनको और टाइम मिलेगा अपनी लाइफ पे फोकस करने के लिए। इसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करें, ये काफी अच्छा स्टेप है। जल्दी शादी कर देते हैं जिसकी वजह से वो पढ़ नहीं पाती। कुछ लड़कियों के एम्स भी होते हैं उनको। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सनी कौशिक, आप देख रहे हैं हरी भूमि टीवी का खास प्रोग्राम द स्ट्रीट व्यू। काफी दिनों के बाद आपके लिए पब्लिक ओपिनियन लेकर आया हूं और आज का सवाल लड़कियों से रहेगा। सरकार जो शादी की लीगल एज थी उसे 18 से बढ़ाकर 21 करने जा रही है, इस पर लड़कियां क्या सोचती हैं, आइए बात करते हैं। गवर्नमेंट अभी जो लीगल एज थी शादी की लड़कियों की वो 18 से 21 कर रही है, आप उस पर क्या सोच रहे हैं? 18 से उन्होंने 21 करी है, मेरा जो पर्सनल व्यू है उसके अकॉर्डिंग ये सही है, क्योंकि जो 18 साल में सबसे पहले तो 18 साल 21 से तो कम ही है, तो इसमें अगर हम एक पॉइंट देखें तो एजुकेशन भी उनकी पूरी नहीं हो पाती थी। सेकेंड थिंग एक होता है मेजोरिटी, वो मेजोरिटी भी 18 की बजाय जो 21 वाला बच्चा है, शायद गर्ल्स को हम मान सकते हैं या फिर बॉयज़ को भी ले, इसमें दोनों को ले, तो 21 वाले बच्चे में 18 के कंपैरिजन में ज़्यादा मेच्योरिटी होती है। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग ये सही है जो गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाया है, मतलब इस पे अगर अभी एक्ट बना है तो इसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करें। ये काफ़ी अच्छा स्टेप है जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी कह सकते हैं, गर्ल्स की हम एजुकेशन की बात करें उसमें भी, और मैच्योरिटी, और जिसको जैसे मैच्योरिटी में हम देखें तो इसमें वो खुद के लिए कम से कम इस एज तक वो समझ जाती हैं कि हमारे एक्चुअल राइट्स क्या हैं, आगे जाके हम मतलब कैसे किसी प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों में ये बहुत अच्छा स्टेप, अगर मेरे पर्सनल व्यू आप जानो तो। वैसे हमेशा ये बोला जाता है, कहावतें हैं कि लड़की की शादी में कुछ डिफरेंस होना चाहिए एज में जब शादी करें, तो अब लड़कों की भी 21 है और लड़कियों की भी 21 है, आप क्या सोचते हो कोई डिफरेंस होना चाहिए या नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा पर्सनल व्यू ये है कि डिफरेंस नहीं होना चाहिए। डिफरेंस क्यों होना चाहिए? क्यों जब बोलते हैं कि लड़का लड़की दोनों को इक्वल राइट दो, एजुकेशन में हम उनको हर चीज़ में दिखा रहे हैं, सोशल एक्टिविटीज़ में उनको हर चीज़ में दिखा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं कि पैट्रियार्की आज ख़त्म हो गई है, ये सारी चीज़ें दिखा रहे हैं, फिर भी आप यहाँ पे आखिर आप फिर शादी पे आके क्यों बोल रहे हो कि मतलब यहाँ पे उनकी एज कम होनी चाहिए? क्यों यहाँ पे लड़की समझदार नहीं चाहिए, बस लड़के को ही शादी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए। लड़की भी समझदार होनी चाहिए, जब दोनों समझदार होंगे तभी एक फैमिली कंडीशन अच्छे से मैनेज हो सकती है, वो उसको लाइफ को मेंटेन कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ही होगा, लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलेगा, उनको 18 से 21 के बीच में जो टाइम होता है वही ऑलमोस्ट 18 की एज से पहले भी लड़कियों की शादी कर देते हैं, बट अभी पहले 18 की बाउंडेशन थी, अब 21 का होगा तो फिर वही लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिलेगा, वो अपना सपना पूरा कर पाएंगी और अपना जो फ्यूचर में उनका जो भी एम है उसको पूरा करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। क्या लगता है कि लड़के और लड़की शादी के टाइम पे कुछ एज डिफरेंस होना ज़रूरी है? नहीं, मुझे नहीं लगता एज डिफरेंस होना ज़रूरी है। जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो फिर एज में क्यों नहीं, वैसे भी हम शादी के लिए जैसे कि लव वगैरह होता है वो हम उम्र ही ज़्यादा देखने को मिलता है, तो फिर शादी क्यों नहीं हो सकता है? आई थिंक ये अच्छा किया है, क्योंकि पहले आप 18 या आप मतलब अभी टीन एज से ही जस्ट बाहर आए हो तो इतना आपको पता नहीं है कि इतना डिसीज़न आप अपने खुद नहीं ले सकते, और थोड़ा अभी मैच्योर नहीं हो, और स्टडीज़ के लिए भी आई थिंक ज़्यादा एज मिल जाती है, तो 21 आई थिंक बहुत अच्छा किया है। ये फैसला बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो एक तो 18 साल का बच्चा है, 21 साल का, वो थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है और शादी जैसा बहुत बड़ा फैसला है, सब कुछ चेंज हो जाता है एक दिन में ज़िंदगी, तो उसके लिए लड़कियां एक तो वो एजुकेटेड हो जाएंगी, ज़्यादा पढ़ेंगी, उनको नॉलेज होगी, बाहर निकल के देखेंगी, तो बहुत अच्छा फैसला है। पहले लोग ये बोलते थे, आज भी गांव में कहते हैं कि लड़की जल्दी मैच्योर हो जाती है, इसलिए लड़के की जो एज थी वो 21 और लड़कियों की 18, अब लड़के और लड़कियों की दोनों की 21 हो गई है, इस पर आप क्या सोच रहे हैं, क्या ठीक है या कुछ एज डिफरेंस होना चाहिए? देखिए एज डिफरेंस होना चाहिए,
मेरे अकॉर्डिंग लड़कों की थोड़ी सी आगे कर दो, 25 कर दो आप, लेकिन लड़कियों की ठीक है, कवावतों का क्या है, वो तो चलती रहती हैं ऐसे तो। एक्चुअली पहले लड़कियों की एज 18 थी, तो उनका 18 तक उनकी ना तो एजुकेशन कंप्लीट हो पाती थी और मैच्योरिटी लेवल भी होता नहीं था। फैमिली भी कुछ फैमिलीज ऐसे इनकी कंडीशन, इकोनॉमिक्स कंडीशन भी, फाइनेंशियल कंडीशन भी नहीं होती स्टेबल, तो उनको एक टारगेट सेट किया हुआ था कि 18 की हुई उसके बाद शादी कर दी। तो जो लड़कियाँ चाहती थी पढ़ना, तो उन्होंने बस ये बोला कि शादी करनी है तो कर दे, अब 21 है तो उनको और टाइम मिलेगा अपनी लाइफ पर फोकस करने के लिए। जैसे पहले 18 तक का टारगेट सेट था कि 18 तो करनी ही करनी है, सेम अगर उनको 3 साल और एक्स्ट्रा मिले हैं तो वो अपने ऊपर और ज़्यादा से अच्छे से इन्वेस्ट कर पाएंगे। अगर वो अपना वो मैच्योरिटी लेवल भी उनका ज़्यादा होगा तो वो अपने जिस लाइफ में आगे कोई भी प्रॉब्लम हुई तो उसको हैंडल भी अच्छे से कर पाएगी। एक्सपीरियंस, वही बोलते हैं कि एक्सपीरियंस ही सिखाता, अगर उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा तो अपनी लाइफ को और अच्छे से टैकल कर पाएगी वो जितनी प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन जो लड़कों की एज थी वो 21 ही रखी गई है और लड़के और लड़कियों की दोनों बराबर कर दी, तो आपको क्या लगता है क्या शादी के टाइम पे कुछ डिफरेंस होना चाहिए या कोई जरूरत? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सेम जो एजुकेशन, जो एनवायरनमेंट जो लड़के को मिलता है सेम लड़की को मिलता है। मैं तो ये मानती हूँ कि लड़के से ज़्यादा इमोशनली भी और वैसे भी फाइनेंशियली फैमिली को एक साथ कंबाइन करने की लड़की ज़्यादा सोचती है। तो अगर दोनों एक ही साथ हैं, इनको एक साथ लाइफ अपनी साथ करनी है, तो अलग अलग एज का डिफरेंस होना नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों को एक मैच्योरिटी लेवल होना चाहिए। ये तो है नहीं कि लड़की में कम दिमाग है कि वो उसको लेट समझेगी, तो सेम चीज़ अगर जैसे लड़का टैगल करता है प्रॉब्लम्स को, सेम लड़की भी करती है। दोनों का अगर 21 है तो अच्छे से वो एक कंडीशन पे आके, एक फेज़ पे आके दोनों एक दूसरे की बातें समझेंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, तो एक अच्छा पॉइंट है। गवर्नमेंट ने जो स्टेप उठाया है ये बहुत सही है, क्योंकि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो ना मतलब लड़कियों की जल्दी शादी करके उनको मतलब उनकी जल्दी शादी कर देते हैं, जिसकी वजह से वो पढ़ नहीं पाती। कुछ लड़कियों के एम्स भी होते हैं, उनको पढ़ना होता है, कुछ बनना होता है, तो उनके लिए ये सही है ताकि उनको टाइम मिल सके और वो पढ़ सके और अपने ड्रीम्स वगैरह पूरे कर सके। दोस्तों आपने सुना, ज़्यादातर लड़कियों ने यही कहा कि उनकी जो लीगल एज शादी की 18 से 21 कर दी गई है, वो खुश हैं क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिलेगा पढ़ाई के लिए। आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करें।